नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन। शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए DM नैनीताल ने आज शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता और आने वाले समय में पेयजल की कितनी जरूरत पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। DM नैनीताल ने बताया कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना आवश्यकता है, जिसको अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल की कमी होना लाजमी है, जिसे देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर तमाम सुझाव सामने आए और लंबित योजनाओं को जल्द अमल में लाने की बात कही। मॉनसून में और गर्मियों के समय में वाटर सप्लाई का संकट हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आता है, जिसके समाधान के लिए मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। ADB न्यू हल्द्वानी के लिए स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिज़ाइन कर रहा है, साथ ही कुछ नलकूप भी डिज़ाइन कर रहा है। साथ में शीश महल प्लांट के से जो 4 फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 35 MLD के आसपास की सप्लाई हल्द्वानी शहर को देते हैं, और अन्य जो नलकूप हैं जल संस्थान के उनके माध्यम से लगभग 30-40 MLD की सप्लाई पर डे की हल्द्वानी शहर में होती है। कुल मिलाकर जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 80 MLD की रिक्वायरमेंट हल्द्वानी शहर की है, जो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग माध्यमों से सप्लाई होती है। समय समय पर मोटर पंप खराब होने की वजह से, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन से, या मोटर ख़राब होने की वजह से, स्टेबलाइज़र वगैरह ख़राब होने की वजह से पंप कई बार बंद हो जाते हैं। पंपिंग में समस्याएं आने के कारण बहुत सारे एरिया में वाटर सप्लाई फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होती है। साथ ही पंपिंग की जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर को प्रभावित भी करती है, और भूमिगत जल स्तर की स्थिति वैसे भी हल्द्वानी में चिंताजनक है। तो एक लॉन्ग टर्म समाधान निकाले जाने पर हम लोगों की अभी सभी विभागों के साथ चर्चा हुई है, जिसमें कई सॉल्यूशन निकल कर आए। एक सॉल्यूशन भविष्य के लिए जमरानी बांध से प्रस्तावित है, जिसमें पूरी वाटर सप्लाई को ग्रेविटी बेस्ड किया जाएगा। एक अभी शीश महल प्लांट से जो 35 MLD की वाटर सप्लाई हो रही है उसको कैपेसिटी को बढ़ाए जाने का भी एक जो है सुझाव निकल कर सामने आया, और इसी के जैसा इसी की कैपेसिटी से लगभग डबल कैपेसिटी का कोई फिल्टर प्लांट एक नए स्तर पर डिज़ाइन किए जाने का भी एक सुझाव निकल कर आया है। कुछ लाइनों को ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ स्टोरेज टैंकों में पंपिंग वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। इन सब सुझावों पर मैंने अभी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की है, प्लांट का निरीक्षण भी किया है। जो भी प्रस्तावित समाधान हैं उनके फाइनेंशियल प्रस्ताव और DPR बनाए जाने के निर्देश दिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ JJN न्यूज़। धन्यवाद।